देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलेगा। अभी आप हमने जो बताया घटनाएं हुई छत्रपुर मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी रामगिरी ने, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस स्टेशन की तरफ गए। हाँ, पत्थर नहीं मारना चाहिए, वायलेंस का तो हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है, करते थे करते रहेंगे, वायलेंस नहीं होना चाहिए। पुलिस ने क्या किया, उस जो मुस्लिम नेता थे उनके घर को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, उनकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। बाद में जो लड़कों को पकड़ा उनको आप रस्ते पे पूरी तरह से परेड करा रहे हो और आप नारे लगवा रहे हो कि पुलिस हमारा बाप है, पत्थर मारना पाप है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या संविधान ने इस बात की इजाजत दिया है इस तरह से आप रस्ते पर किसी को भी चलाओ या बिना ट्रायल के सबूत के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो की किसी के भी घर को बुलडोजर से आप उड़ा दो? कौन से कानून के अंदर आपने ये काम किया, चलिए बताइए, इस तरह से रस्ते के अंदर परेड करवाना? तो असंवैधानिक चीज है, मगर लोग लिख रहे नहीं संविधान में कहा है। अब दूसरी जगह आप बात सुनिए मेरी, मैं क्यों बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ बता रहा हूं। मैं आपको अभी ही रांची के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की, काफी जवान उसमें घायल भी हो गए, वीडियो वायरल है हर तरफ। सुनिए क्या कह रहा है पुलिसकर्मी, आप भारत माता की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत माता के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो। आप पुलिसकर्मी के अल्फाज जबानी है उनकी, तो मेरा आप सवाल है, अब क्या जिन लोगों ने इस तरह की घटना की, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, क्या उनके भी घरों को आप बुलडोजर से उड़ा दोगे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या आप इसी तरह रस्ते के ऊपर उनको परेड कराओगे, पूरे शहर के अंदर लगवाओगे नारे उनसे भी? क्या खाली सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है क्या आपके पास? हर चीज मुसलमान का घर दिखा उसने क्या आपने जाके तोड़ दिया? अब आप क्या करोगे यहाँ पर? इसलिए हम कहते हैं कि देश को संविधान से चलाइए, कायदे कानून से चलाइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए ना। अगर कोर्ट बोलती है कि ठीक है इसने गलती किया है, आप एक्शन लीजिए, उनको नोटिस देके उनके घर को जो करना है आप करिए, सजा दीजिए। मगर इस तरह से बुलडोजर की पॉलिटिक्स असंवैधानिक है, ये देश को किस दिशा में लोग लेके जाना चाहते हैं, यही हमारा सवाल है सरकार से।